ये पूरा रामघाट का एक क्षेत्र है जहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें महर्षि जमदग्नि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, अभी हम पहुंचने वाले हैं इंदौर से उज्जैन, और उज्जैन के स्टार्टिंग में हम पहुंच चुके हैं और ठीक सामने है महामृत्युंजय द्वार, यानी कि हम महाकाल की धरती पर हम पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि बाबा जिसे बुलाते हैं वो खुद दौड़ा चला आता है, और मैं आया तो था इंदौर महू में अपने टूर्नामेंट खेलने के लिए, लेकिन सतीश भाई मुझे ले आए हैं महाकाल, और हो सकता है बाबा का बुलावा और सतीश भाई के रूप में मैं पहुंच चुका हूँ उज्जैन। ये है महामृत्युंजय द्वार, यानी आप अब ऑफिशियली उज्जैन में प्रवेश कर चुके हैं। ये है उज्जैन शहर, और हम सीधे जाते हैं यहाँ से महाकाल मंदिर, उसके बाद कुछ घाट, और देखेंगे उज्जैन के बारे में और महाकाल बाबा के दर्शन हम आपके सामने। पीछे सतीश भाई मेरे साथ हैं। सतीश भाई से मैं पूरे 14 साल बाद मिला हूँ। दिल्ली में हम साथ ही कोचिंग किया करते थे, और सतीश भाई का और मेरा संपर्क उसके बाद टेक्नोलॉजी में रहा, फोन के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहे, और 14 साल बाद जब मैं इंदौर आया तो मेरे होस्ट इंदौर के सतीश भाई हैं। तो आप भी अब लीजिए इंदौर का आनंद। तो चलते हैं इस उज्जैन की यात्रा में। तो अभी चूंकि हम पहुंच गए उज्जैन, और उज्जैन में जो यहाँ के राजा हैं महाकाल, हम उन्हें देखने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल। और विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई भी राजा यहाँ रात को रह नहीं सका, ये कहावत में है, और चाहे कोई मंत्री हो, राजा हो, तो वो यहाँ रात को ठहरता नहीं है। तो महाकाल के अलावा अगर कोई राजा है टिकेगा तो कष्ट आदि से उसका सर्वनाश होना तय है। तो अभी हम महाकाल मंदिर से पहले महाकाल लोक की यात्रा में हैं, और इस महाकाल लोक की यात्रा में सतीश भाई और मैं आपको लिए चलते हैं उज्जैन के इस महालोक में, और उससे आगे की यात्रा, चूंकि वर्तमान में यहाँ किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग और कैमरे अलाउ नहीं है, तो महाकाल का मंदिर में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं महाकाल का जो महालोक है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो उसको हम देखते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो सामने देख सकते हैं कि श्री महाकाल महालोक में आपका हार्दिक स्वागत है। गेट पे गणेश जी यहाँ पे विराजमान है, और हर चीज़ की शुरुआत हम गणपति के नाम से लेते हैं, तो यहाँ पे महाकाल की शुरुआत भी इस महालोक की ही पे। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते, ये महाकाल के बारे में कहा जाता है। और देख सकते कितना भव्य यहाँ पे नक्काशी की गई है, और कितना बेहतरीन यहाँ पर आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं इस महालोक के लिए। बार बार एक उद्घोष यहाँ पे सुनाइए, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, शांति बनाए रखें, महाकाल को याद करते हुए आप इस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करें। कहते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो उज्जैन में स्थित है, और जो महाकालेश्वर लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। गर्भगृह में महाकाल लिंग, द्वितीय स्थल पर है ओंकारेश्वर, और तृतीय उसमें नीलकंठ नीलेश्वर, और जो नीलकंठ नीलेश्वर है वो सिर्फ आपको नागपंचमी के दिन उसके दर्शन होते हैं। तो ये पूरा महाकाल का महालोक यहाँ पे बनाया गया है।
महाकाल का मतलब होता है काल और समय। चूंकि प्राचीन काल में यहीं से पूरे भारतवर्ष का समय निर्धारित किया जाता था, इसीलिए इसे महाकाल क्या कहा जाता है। और जो महाकाल के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो भस्म आरती होती है सबसे प्रातःकाल, वो ताजे मुर्दे की राख से महाकाल की भस्म आरती होती है। ये है महाकालेश्वर मंदिर का रास्ता और यहाँ से पूरे महाकाल महालोक का दर्शन करते हुए हम महाकाल मंदिर जाएंगे। ये सप्तऋषि की आकृति यहाँ पे बनाई गई है। इसमें महर्षि जमदग्नि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज और महर्षि अत्रि, तमाम जो हमारे सप्तऋषि हैं उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। ये शिप्रा दे दी ना, और पूरी यात्रा का जो श्रेय है सतीश भाई को जाता है। सतीश भाई मध्य प्रदेश शासन में एक अधिकारी है यहाँ पे, और अपने व्यस्ततम समय से आज का समय उन्होंने मुझे दिया और मुझे महाकाल के दर्शन कराने के लिए उज्जैन लेके आए। वास्तुकला का अनुपम सौंदर्य आप इस महाकाल महालोक में कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में घटित होने वाली हर कथा, शिवजी से संबंधित हर प्रकार के कहानी का यहाँ पर इस महाकाल महालोक में चित्रित किया गया है मूर्तियों के द्वारा। ये विवाह में जो शिवजी का विवाह था उसमें शिवजी की शोभा यात्रा थी, उसको चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। महाकाल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके बाद कैमरा यहाँ पे प्रतिबंधित है, तो अभी हम पहले पूरा महालोक घूम लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सीधे महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। आज मौसम ने भी बहुत साथ दिया है और भीड़ भी उतनी नहीं है, जिससे हम महाकाल के दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे दिन के अभी बज रहे हैं 2 और आप कह सकते हैं काफी ठंडी हवा यहाँ पे है। ये गजा संहार का दृश्य यहाँ पे चित्रित किया गया है, गजासुर संग्रहार। सामने आप जो पताका लहराता हुआ मंदिर देख रहे हैं, ये है महाकाल का मुख्य मंदिर, जहाँ पर जो महाकालेश्वर मंदिर है जो लिंग है वो 3 तल पे बचा है, जिसमें जो निकलेश्वर जो है वो सिर्फ नागपंचमी दिन खुलता है और पूरे मंदिरों की श्रृंखला यहाँ पर है। ये महाकाल लोक है, चूंकि वहाँ पे कैमरा भी प्रतिबंधित है, इसलिए अब हम कैमरा यहाँ पर रखने के बाद मैं, सतीश भाई और गौरव, हम तीनों चल रहे हैं अब महाकाल के दर्शन की ओर। तो चलिए अब मैं करता हूँ महाकाल का दर्शन, आप
दूर से ही इस महाकाल मंदिर का आनंद लीजिए। कहते हैं तीर्थों में घाटों का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो बनारस के घाट हो, चाहे हर की पैड़ी हो, और अभी मैं हूँ उज्जैन के राम घाट में जो शिप्रा नदी पे है। महाकाल दर्शन के बाद मैं घाट पे आया हूँ, तो आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा रामघाट का एक क्षेत्र है जहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन्हीं घाटों के किनारे शिप्रा नदी पे कुंभ का आयोजन किया जाता है और लोग यहाँ पे आते हैं, और अधिकतर हर जगह आप देखेंगे कि पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए यहाँ पर पूजा इत्यादि की जाती है। तो अभी मैं हूँ इस शिप्रा नदी के राम घाट पर, और इस शिप्रा नदी का जो महत्व है, जो गंगा के समान महत्व है, कहा जाता है कि जो इसका एक बार दर्शन कर लेता है वो सीधा बैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। मैं और मेरे होस्ट सतीश भाई दोनों इस राम घाट पर बैठकर शिप्रा नदी के इस महत्व का आनंद ले रहे हैं, और महाकाल के दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन महाकाल के हुए हैं, और अभी हम हैं यहाँ रामघाट पे। तो ये था उज्जैन का रामघाट और शिप्रा नदी के किनारे। मैं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिमालयन स्नाइपर, जिसमें आज की इस यात्रा में पहले मैंने आपको दिखाया महाकाल के दर्शन। चूंकि मंदिर के अंदर कैमरा वर्जित है, इसलिए मैंने उसके दर्शन आपको बार बार से कराए, महालोक का दर्शन कराया, और अभी मैं हूँ इस राम घाट में।